बहुत पतंग उड़ाया करते थे। जो 15 अगस्त है ना, वो दिल्ली में बड़ा ही फेमस है पतंगों के लिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड दिस इज न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट एंड आई एम ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। तो जी, आज है आज़ादी का अमृत महोत्सव और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे इन आर ऑफिस। और अभी मैं अपने ऑफिस में ही खड़ा हूँ और अभी कुछ ही चंद लम्हों के बाद हमारे ऑफिस में होने वाला है ध्वजारोहण। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा, बस आज के दिन एक जो फीलिंग होती है वो अलग ही किस्म की फीलिंग होती है, क्योंकि आज जो इंडिपेंडेंस डे है और जो सेलिब्रेशन है वो अलग ही लेवल का चलता है हर जगह। क्योंकि आज मैं जब अपने घर से निकला तो जब मैंने रोडों पे देखा कि लोग यू नो झंडा लेके और सड़कों पे गलियों में झंडा लेके जा रहे हैं, बच्चे यू नो झंडा फहरा रहे हैं और हर एक घर पे यू नो झंडा लगा हुआ है। जो यू नो एक नारा आया था, जो हैशटैग चल रहा था कि घर घर तिरंगा, और ये वाला ऐसा कुछ है घर घर तिरंगा और हर जगह तिरंगा, तो वो तिरंगा मुझे दिख रहा है, एक्चुअल में दिख रहा है, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ देखा ना वहाँ तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा है मेरे को आज। तो ये अच्छी चीज़ है कि यू नो एक यूनिटी है हमारे बीच, एक बन रही यूनिटी, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है इंडिपेंडेंस डे को। और इस बार इंडिपेंडेंस डे का स्लोगन है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो वो बहुत अच्छा ही जा रहा है। और बस हम भी आ जाओगे अपने ऑफिस में सेलिब्रेट करने, और ध्वजारोहण बस कुछ पलों में होने वाला है, तो आओ चलते हैं ध्वजारोहण की तरफ और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं तिरंगा कैसे लहराता है शाम से। तो आ जाओ मेरे साथ। कितने लड्डू लोगे आजादी के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो हमें ट्रीट मिली वो बहुत ही अच्छी थी। जो लंच हमारा रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। और मैं बाहर पता शूट करने क्यों आया हूँ फिर से, क्योंकि आज का जो मौसम है ना वो कुछ बढ़िया सा हो रहा है। तो मैं एक बात बताता हूँ कि बचपन में ना हम बहुत पतंग उड़ाया करते थे। जो 15 अगस्त है ना, वो दिल्ली में बड़ा ही फेमस है पतंगों के लिए, क्योंकि 15 अगस्त के दिन लोग पतंग ही पतंग उड़ाते हैं दिल्ली के अंदर। अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग यू नो दिनों में पतंग उड़ाई जाती है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो शायद वहाँ पर जो मकर संक्रांति होती है उस दिन पतंग उड़ाई जाती है, जैसे कि हमने तारक मेहता के उल्टे चश्मा में देखा है ना, गोकुलम सोसाइटी में वो लोग उड़ाते हैं पतंग मकर संक्रांति के दिन। तो ऐसे ही ना दिल्ली में पतंग उड़ाई जाती है 15 अगस्त के दिन। तो अभी फिलहाल मैं हूँ गुड़गांव में, तो यहाँ पे पतंग तो नहीं उड़ रही है बिल्कुल भी, बट दिल्ली में जो क्रेज़ है ना वो अलग ही लेवल का क्रेज़ है पतंगों का। तो और हम बचपन से भी यू नो डाई हार्ड फैन रहे हैं पतंगों के, और हमने उड़ाए भी हैं बहुत, और हम एक टाइम के पतंगबाज रह चुके हैं। पतंगबाज तो नहीं कहूँगा अपने आप को, बट अच्छी खासी यू नो पेचे लड़ा लेता हूँ, मैं पेच लड़ा लेता हूँ पतंगों से। तो क्यों ना आज चला जाए कहीं पतंग उड़ाने। और हमारी बुआ जहाँ, और हमारी बुआ भी रहती हैं दिल्ली में, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बुआ के यहीं जाया जाए। तो अभी बात बात करते हैं और निकलते हैं फिर बुआ के घर पे, जो यहाँ से अराउंड मेहरौली के पास है उनका घर। और अभी टाइम हो रहा है 4, तो निकलते हैं और अराउंड 5 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। 1 घंटा लगेगा मेरे को मेहरौली पहुँचने में, क्योंकि ट्रैफिक होता है। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो मैं जल्दी ही पहुँच जाऊँगा। आज मैं शायद कुछ ना खरीदूँ, मैं उन लोगों की जो हमारे भाई लोग हैं उन लोग की पतंग उन लोग के साथ ही उड़ा के मज़ा कर लूँगा। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको पतंगबाजी। तो गाइज हमारे सारे प्लान पे फिर चुका है पानी, और सीरियसली पानी फिरा है। आप मौसम का मिजाज देखो और बरसात देखो, क्या हैवी बरसात हो रही है, बारिश। तो आज पतंग तो मेरे को मुश्किल ही लग रही है अब, पर मौसम बड़ा अच्छा हुआ है वहाँ पे। आप देख रहे हो
ये इतना एरिया ऐसे क्लाउडी दिख रहा है ब्लैक, और उसके ऊपर ऐसे लग रहा है कि धूप है। जो भी है बढ़िया है, और बारिश भी बढ़िया है। प्लान तो हमारा पचका हो चुका है, पचका। तो चलो देखते हैं, अब प्लान पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, मुश्किल, बहुत मुश्किल लग रहा है। चलो चलते हैं, और अब घर जाके ही, अब बुआ का जाना कैंसिल होता है, फिर घर जाते हैं और मिलते हैं साहिल से और करते हैं फिर कुछ। यहाँ के नज़ारे बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार। तो कुछ बोलना चाहोगे आप? 15 अगस्त के आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और डेयरी में कुछ अलग ही अंदाज में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी पतंगे, और अब तो हम यही कह रहे हैं कि हम भी जा रहे हैं पतंग उड़ाने। तो चलिए पतंग उड़ाते हैं। और मैं आपको बार बताऊँ, मैंने इससे पहले जो शूट करा ना कि यार बारिश हो रही है, गुड़गांव में बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पे आ पाऊँगा टाइम से। मुझे लग रहा था अंधेरा हो जाएगा, फिर यहाँ आने का मतलब नहीं रहेगा, बट यू नो अब जब आना था तो हम पहुंच चुके हैं। बारिश वारिश हो चुकी है, और यहाँ पे बारिश का ऐसा कोई सीन नहीं लग रहा है मेरे को। पर आप पीछे क्लाउड देख रहे हो, कहीं ना कहीं तो बारिश हो रही है, पर यहाँ पे नहीं हो रही, और टाइम से पहुंच चुके हैं। तो चलो उड़ाते हैं एक दो पतंगे, और देखते हैं हम कितना रेशो बना पाते हैं और कितनी पतंगे काट पाते हैं। तो चलते हैं नीचे और उड़ाते हैं एक दो पतंग। आ जाओ। अरे कट गई क्या तुम्हारी? अबे यार तुमने, यार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे लगा ओके 10 और 1 का रेशियो रहा। 15 भाई ने यू नो एक और पतंग बना ली है, और सुबह से देखे कितना चेहरा काला होता है। यस, और ये सुबह वाला यू नो मांझे का गट्टक, किसी को बताना मत, ये वो वाला मांझा है जो चोरी से मिल रहा है। और हमारी बुआ भी आ चुकी है मैदान में, मैदान जंग यू नो। हाँ, ये देखो क्रैश, हवा नहीं चल रही। मैं उड़ा के दिखाता हूँ, आप ये पकड़ो। तो अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ पतंग, देखते हैं कि उड़ा पाता हूँ कि नहीं। कार्तिक कुशवाहा सर ने बहुत बार ट्राई करा, पर सो मेनी टाइम फाइनली ओहो फाइनली पतंग उड़ चुकी है। अरे ओहो, चलो नेक्स्ट। वो भी किसी ने उड़ा के दी, वो भी इस वक्त सच उड़ा के दी भाई ने। इसी बात पे दो लाइक का तो लाइक। और सर एक चीज और, मैं 15 से 18 पतंग काट चुका हूँ, अब देखते हैं कार्तिक सर हमारे कितनी पतंग काटते हैं। तो प्लीज कमेंट करिए कि कितनी पतंग काट सकते हैं कार्तिक सर, जल्दी जल्दी करिए। ये तो सारे बहाने हैं, ये तो सारे बहाने होते हैं, बट अब देखते हैं कितनी पतंग काट सकते हैं। फर्स्ट पतंग काट दी और वहां देखो आप, हमने ये तो ऐसा लगा कि हमारी कट गई। अब कटी हमारी यार, आपके मुंह में घी चक्कर, अगर आप कुछ और मांग लेते वो मिल जाता है। कोल्ड ड्रिंक बढ़ चुकी है, चखना चाहिए तुमको, उसने खुद ही ले लिया। तो भाई साहब बात ऐसी है, हमारी छत पे ना उड़ाने सारे लूटने का मजा ले रहे बंदे, और ये जो छोटे छोटे डकैत हैं ये हर बार पतंग में डकैती डालने सबके आरामी को लौटना वो दिख रहा है, वो पतंगबाज नहीं है, सारे लूट के घर ले जाता है, इतना हरामी है। भले उसका घर सामने ऊंची छत है, लेकिन यही लूटेगा और उड़ाएगा नहीं, पता उड़ाने नहीं आती। हवा अगर इस साइड की है तो बंदा उस साइड पतंग उड़ाएगा।
और ये तिरंगा हमारी आपकी मेहनत का फल, ये तिरंगा भी लूटी गई है, ये लीजिए भाई को मैं, और एक बार भाई के लिए ताली एक बार ताली बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर दीपांशु भैया ने पतंग लूटे भैया के लिए बजा तालियां। और ये तिरंगा पतंग आखिरी पतंग है जो कि हम आजादी के लिए इंडिपेंडेंस डे के लिए उड़ाएंगे। यस, ये हमारे देश की शान तिरंगा, आन बान शान। तो आप इसे उड़ाने जा रहे हो अब? जी, फाइनली पतंग को उड़ाया जाएगा और फिर छोड़ा जाएगा, कटवा ना काटा जाएगा ना कटवाया, आसमान में भेजेंगे इस पतंग को, आसमान की ऊंचाइयों में। यार पतंग उड़ तो गई है हमारी। चलो क्या बोलते हैं कि इसको अब तोड़ दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। और ये गई पतंग, और गई, छोड़ दी हमने, तिरंगा हो चुका है आजाद। देश तो हमारा 1947 में ही आजाद हुआ था, हमने आज तिरंगे को फहराया है प्रॉपर आसमानों की ऊंचाइयों में। सो वी आर हियर। तो आज का दिन यू नो इन्होंने तो बहुत एंजॉय करा होगा, क्योंकि सुबह से शाम तक ये इन्होंने पतंग उड़ाई है। हाँ, पूरे साल रुकते हैं इसी दिन के लिए कि पतंगबाजी करने को मिलेगी। हाँ, तो मैं तो अभी आया था, आधे घंटे में मैंने भी फुल यू नो फन करा। तो आपने देखा है जो भी हुआ। तो आज के लिए बस इतना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, बाय बाय, से बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।